जीम 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 राम राम रीम रीम। क्षीर सागर से जल भर लाए मेरे प्रभु जी पे कल शढ़ुराए। प्रमुख चतोप संगो उपसर्ग विनाशनाय परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराजस्य स्वास्थ्य लावर्तम सर्वसंगस्य परम वंदनीय रिका श्री आश्रमती माताजी सर्वसंगस्य स्वास्थ्य लावर्तम परम वंदनीय रिका श्री बरदमती माताजी स्वास्थ्य लावर्तम शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार से श्री निर्मला देवी कुलदीप बबली उन्नति मनोज नायक परिवार से नीरज जी अरहंत जी नायक परिवार से उपस्थित सर्वजना नाम सभी अपने अपने नाम ले लें। सकल दिगंबर जैन समाज ओल्ली दिगाय आगरा परिवार से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से सर्व समाज से संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रा। चढ़ाएंगे हम बाबा को पहाड़ों की ऊंचाई है। इंद्रगढ़ आए हाथों में चमर लाए प्रभु जी के आगे हम चबर ढुराए। मंगलाडम चा सबे से परम होए मंगलम द्रवस्त शुद्धि मधिगम यथान रूपम पुष्पे दंते सते सस्ति सिरि शीतला। आज गुरु माता आए हैं आज गुरु माता आए हैं। झूम छना ना 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 झूम छना ना 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 हिंदे नाते भगवान तारे छना ना 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 तेरा पर्दा हटाए दिनवाड़ी माँ खोल दे तू मेरे वीर सीव को। गुरु रघु मम मट गुड़ा होती से धारम तब सिद्धे रय सिद्धे संयम सिद्धे चर से दया। ओ अधीर प्रभु तड़प रहा मैं तुम बिन गहना पाऊंगा अपने और के सिंहासन पर ना तुम्हें पधराऊंगा। हो मरु देवी के महलों में महलों महलों की ओर प्रस्थान करते हैं। चला इंद्र चम चम अयोध्या नगर व्याकुल है व्याकुल है। धीरे धीरे पकला धरती चम चम चले इंद्राणी तीर्थंकर बालक काले कर तीर्थंकर बालक काले कर देखो आई इंद्राणी फिर भी न देवे इंद्राणी। अरे सुन मेरी सची इंद्राणी ललना को मोह दिखाते ओ बाका दर्श कराते मन की त्रिशांति जाएगी। ओ रानी मेरे प्यारे महाराजा ललना को ना ही दिखाऊं ना बाका दर्श कराऊं इनको नजर लगे जाएगी। ओ और वो भगवान को निहारते हैं तो दो नैनों से उनका मन नहीं भरता है तो वो 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन करते हैं। इंद्र हजार नेत्र बनाकर ओम रीम फागुन कृष्ण एकादश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। यसं स्वता सकले वाङ्मय तत्य बोधात् सुदबोध बुद्धि पटुवि सुर लोके नाथय। ओम रीमरम सर्वावधि जिनेन्द्रेभ्यो अर्घम निर्विपामिति। ओम रीमरम महिमायुक्ताल बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। ओम रीमरम महिमायुक्त त बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। ओम रीमरम महिमायुक्त प बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। ओम रीमरम महिमायुक्त
रिबीजाक्षर संयुक्ताय श्री बिशप नाचिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति तद बीजाक्षर संयुक्ताय श्री बिशप नाचिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति संयुक्ताय श्री बिशप नाचिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति ओम रेमरा महिमाक्त ते बीजाक्षर संयुक्ताय श्री बिशप नाचिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति रेमरा महिमाक्त बीजाक्षर संयुक्ताय श्री बिशप नाचिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति रेमरा महिमाक्त लान बीजाक्षर संयुक्ताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानत गोस्वामी जी की जय। आचार्य गौर ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य मानत गोस्वामी जी छठवें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं अपनी भक्ति में अपने भावों को भरते हुए भावों के माध्यम से अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान माम यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरई कहे तो। आचार्य मानत गोस्वामी जी छठवें काव्य में अपनी भक्ति को भक्ति के माध्यम से गुणों का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं हे भगवान अल्पश्रुतम। अल्पश्रुतम माने अल्प शास्त्र के जानने वाला, अल्प शास्त्र का जानने वाला श्रुतवताम विद्वानों की परिहास धाम हंसी का पात्र हो रहा हूँ। कितना लघु अपने आप को कितना लघु प्रकट कर रहे हैं। जिनके रोम रोम में समय सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में प्रवचन सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में नियम सार समाया हुआ है, वो अपने आप को कितना लघु प्रकट कर रहे, अपने आप को अल्प शास्त्र का जानने वाला और कह रहे हैं विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। हे भगवान माम माने मुझको तद भक्ति, हे भगवान आपकी भक्ति ए माने आपकी भक्ति ही बलात् माने बलपूर्वक शक्ति पूर्वक मुखरी कुरुते बाचाल प्रेरित कर रही है। हे भगवान आपकी भक्ति मुझे बलपूर्वक प्रेरित कर रही है, बाचाल कर रही है। यत माने जो कोकिला कोयल, किल माने निश्चय से, जैसे कोयल निश्चय से मधु माने बसंत ऋतु में मधुर सुरीली आवाज में, जैसे कोयल बसंत ऋतु में सुरीली आवाज में विरौती कुहुकाती है, कुहुकती है, बोलती है, तच्च माने उसमें आम्र माने आम की चारुकलिका सुंदर मंजरी की निकर माने समुदाय ही एक हेतु एकमात्र हेतु कारण आम मंजरी है। हे भगवान जैसे वसंत ऋतु में कोयल को वो आम मंजरी वो आम की बोर बोलने के लिए मजबूर कर देती है, इसी प्रकार आपकी भक्ति मुझे बलपूर्वक शक्ति पूर्वक प्रेरित करती है।
आपका गुणगान करने के लिए। हे भगवान, मुझ में वह शक्ति तो नहीं है, मुझ में वह ज्ञान तो नहीं है, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मैं अल्प शास्त्रों को जानने वाला हूँ। मेरा विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन फिर भी बिना विचारे मैं आपकी भक्ति में, आपके गुणगान में ऐसा तन में हो जाता हूँ, वो भक्ति मुझे ऐसे प्रेरित करती है जैसे कोयल को आम मंजरी प्रेरित। वो वसंत ऋतु की आम की बौर जैसे ही आती है, वैसे ही कोयल कुहकने लगती है, मीठी मीठी वाणी में अपनी, वो मीठी मीठी वाणी के द्वारा मोहित कर लेती है। ऐसे ही आपकी भक्ति मुझे प्रेरित करती है, ऐसे गुणगान में लीन है श्री आदिनाथ भगवान के। एक एक गुणगान को, एक एक गुणगान में डूबे हुए हैं। हे भगवान, आपके अंदर तो गुणों का भंडार है, आप तो गुणों के स्वामी हैं प्रभु, घट घट के अंतर्यामी हैं। ऐसी भक्ति जो करता है वह, यह तो लोहे के ताले हैं, जो भक्ति को भक्ति में घुल करके जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, ऐसे ही जब भक्त भक्ति में घुल मिल जाता है, जब भक्ति में उसको आनंद आने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो ये लोहे के ताले तो क्या, कर्मों के ताले भी झड़ झड़ टूट जाया करते हैं। ये प्रभु की महिमा में शक्ति है, ये प्रभु की भक्ति में अतिशय है, जो ताले झड़ झड़ टूट जाया करते हैं। हमारे, आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारा कोई कार्य नहीं होता, जब हम आश्वस्त हो जाते हैं, तो भक्तम्बर जी की एक काव्य से, एक काव्य के प्रति श्रद्धा है तो एक काव्य से इतना लाभ मिल जाता है। तो कभी सोचो विचार करो कि 48 काव्यों को पढ़ने वाले, जिस एक एक काव्य में, एक एक लाइन में 14-14 अक्षर, आचार्य भगवान ने कहा इनको अक्षर मत बोलना, एक एक अक्षर बीजाक्षर मंत्र है। जैसे वट बीज, वट वृक्ष का वो थोड़ा सा बीज अगर कहीं उत्तम भूमि पर पड़ जाए तो वह वट वृक्ष की तरह फलीभूत हो जाया करता है, और उस वृक्ष के नीचे कितने लोगों को छाया मिलती है। इसी प्रकार जो ये बीजाक्षर मंत्र हैं, इन मंत्रों के माध्यम से हमारी फसल मोक्ष भूमि में और बहुत बड़ी हो जाया करती है। वो फसल के माध्यम से उस फसल के फल कौन खाते हैं, वो फसल जब पकती है तो सर्वार सिद्धि में जाकर के देखिए, वहाँ सर्वार सिद्धि में इतनी बड़ी फसल उत्पन्न हो जाती है कि एक फल, एक बार जो धर्म की चर्चा हो जाती है, वो 33 सागर तक द्वारा वो शब्द नहीं आता है। इतना ज्ञान, वह द्वादशांग का ज्ञान, वह इंद्र भी कितनी सुंदर सुंदर भक्ति करते हैं, कितना गुणगान करते हैं, और उस भक्ति के माध्यम से, उस गुणगान के माध्यम से, जैसे ही वो स्वधर्म इंद्र को पता चलता है आदि कुमार बालक का जन्म हुआ है, और वह अपनी सची इंद्राणी से कहता है, हे सची इंद्राणी, जाओ मायामयी बालक को लेकर के माता के पास इस बालक को सुला देना, और तीर्थंकर बालक को लेकर के आना,
और वो जैसे ही शने शने धीरे 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 छम छम करती हुई जाती है। कितने खंडों का वह महल होता है, उस महल के अंदर जब पहुंचती है वह माता सोई होती है, और उस माता के पास जाती है, हले हले जाती है, उस मायामयी बालक को सुला देती है और तीर्थंकर बालक को अपने दोनों हाथों में अपनी गोद में उठा लेती है। वह हाथ भी धन्य हो जाते हैं जिन जो तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लेता है, वह तो मोक्षगामी जीव अपने आप हो जाता है। हे भगवान, कैसा वो सीन होगा, कैसा वो दृश्य होगा जब यहाँ चर्चा करने में इतनी आनंद की अनुभूति होती है, तो वो साक्षात दृश्य कैसा होता होगा। वह जब सौधर्मिंद्राणी जैसे ही बालक को गोदी में लेती है, निहारती है, निहारती रहती है, उसका मन नहीं भरता है, और जैसे ही बालक को लेकर के आती है, वो सौधर्मिंद्र जिसके पास कितना वैभव है, स्वर्गों का राजा, वह सौधर्म इंद्र कहता है, हे देवी, हे शची, एक बार मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। वो शची को तृप्ति नहीं होती है उस तीर्थंकर बालक से। वो कहता है, सौधर्म इंद्र कहते हैं, हे शची इंद्राणी, मेरा पूरा वैभव ले लो, पूरा राज ले लो, पाठ ले लो, सब संपत्ति ले लो, सब कुछ ले लो, पर एक बार, बस एक बार मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। और जैसे ही वो सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को देती है, वह गोद में जैसे ही तीर्थंकर बालक आते हैं और वो ऐसे निहारते हैं के 1000 नेत्रों को बनाना पड़ता है। उनकी दो आँखों से तृप्ति नहीं होती है, उनकी दो आँखों से वह तृप्ति नहीं होती है, इसलिए उनको 1000 नेत्र बनाने पड़ते हैं, और निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं।